हेलो स्टूडेंट न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑनर के व्यू 20 का एक फुल कैमरा रिव्यू जो वो देने वाला हूँ। और ये जो स्मार्टफोन, इसमें आप लोग को 48 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें आप लोग को सोनी IMX 586 वाला सेंसर मिलता है, F1.8 का एपर्चर मिलता है और अप टू 1.6 माइक्रोन पिक्सल्स मिलते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, 960 FPS में आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग मिलती है, 4K वीडियो आप इसमें निकाल सकते हैं और AI वाला कैमरा, तो AI से भी बहुत सारे टास्क आपको मिलते हैं, क्योंकि जो किरिन 980 वाला प्रोसेसर, इसमें आप लोगों को डुअल NPU का सपोर्ट मिलता है। उस हिसाब से आपका AI का जो टास्क है वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। आपको यहां पे साथ में सेकेंडरी 3D TOF वाला सेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो यहां पे आप लोगों को डेप्थ के लिए और 3D अवतार में काफी हेल्प करता है। वो सारी चीजें हम यहां पे इस वीडियो में टेस्ट करेंगे कि इसका कैमरा जो रियर वाला है वो कितना अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहां पे 25 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाती है सामने की तरफ। डिस्प्ले में इस तरीके से आपको छोटा सा होल मिलता है, इसको पंच होल डिस्प्ले बोलते हैं, और ये भी एक AI वाली सेल्फी है जिसमें आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने भी मिल जाता है। बहुत सारे फीचर्स आपको इनके कैमरे में जो देखने को मिल जाते हैं। ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स इस वीडियो में ऑनर के व्यू 20 के कैमरे के बारे में देने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को अभी जो स्क्रीन पे दिखाया था वो इसके रियर फेसिंग कैमरे के सैंपल्स थे। तो जो वो दिन के रात के जो भी सैंपल्स आपने देखा वो बहुत ही कमाल के इसने जो वो कैप्चर किया है और वो आपने खुद विटनेस किया है। AI का जो सपोर्ट इसमें बहुत ही बखूबी से चल रहा है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, आप प्लांट पर जाओगे तो उसको बता देगा ये प्लांट है, एनिमल पर जाओगे तो बोल देगा ये एनिमल है, और AI के तरीके से उसको अपने हिसाब से ये अनाउंस करता है। तो ये क्वालिटी उसने बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो वो निकाला है। तो जो भी आपने देखा वो बहुत ही कमाल के थे। नाइट में भी काफ़ी ब्राइट पिक्चर्स निकाला है और जो इसने नेचुरल जो फील दिया है पिक्चर की कैमरे की जो क्वालिटी में, वो मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल की निकल के आई है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका वीडियो सैंपल जो वो दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो सैंपल्स देख लीजिए दिन की और रात के रियर फेसिंग के, उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेल्फी कैमरे के ऊपर। यहाँ पे रियर फेसिंग वीडियो सैंपल्स की बात करूँ तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलती है। आप 4K वीडियो यहाँ पे मैक्स जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अंदर। और अच्छी बात ये कि जो रियर फेसिंग कैमरा है उसमें आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, तो स्टेबलाइजेशन वीडियो का वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उसका थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ हल्का हल्का, तो इस तरीके से वीडियो का जो स्टेबलाइजेशन आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ बता रहे थे, ऑटो फोकस की बात करते तो देखेंगे बहुत ही सही तरीके से इसने जो वो फोकस किया है, फिर से आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, तो ऑटो फोकस इसका बहुत ही कमाल का है और बैकग्राउंड देखेंगे कितने अच्छे तरीके से इसने जो वो ब्लर करके रखा है। अरे वाह, क्या बात है यार, कमाल की सेल्फी निकल गई है। सबर कर लो, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं वीडियो सैंपल की बात करता हूँ जो भी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था, तो बहुत ही कमाल के यहाँ पे जो वीडियो निकल के आई है। दिन की भी आपको मैंने सैंपल दिखाया, रात का भी आपको मैंने सैंपल दिखा दिया, तो ये जो क्वालिटी है वीडियो की इसकी बहुत ही इंप्रेसिव है। आपको EIS भी मिल जाता है, 960 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K भी शूट कर सकते हैं, और जो वीडियो का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इसका जो ऑटो फोकस है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही फास्ट है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी कमाल की निकल के आई है। तो वीडियो में भी काफ़ी इंप्रेस किया है ऑनर के व्यू 20 ने, जो मुझे देख के काफ़ी सही लगा है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके कुछ सेल्फी शॉट्स बताता हूँ। सेल्फी भी वैसे 25 मेगापिक्सल की आपको AI वाली सेल्फी मिलती है। दिन के रात के सारे सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी सेल्फी कितनी अच्छी मिलती है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा सेल्फी भी इसकी बहुत ही इंप्रेसिव है, बहुत ही कमाल की है सेल्फी भी, बहुत ही अच्छे डिटेल्स को कैप्चर कर रही है। स्पेशली जो पोर्ट्रेट शॉट्स निकल के आए थे वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे और AI भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो सेल्फी के जो कमाल है इस फोन में वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो सेल्फी की कुछ वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूँ, वो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पे आप ये देखेंगे ये जो वीडियो हमने लिया है ये 25 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरे से लिया है और यहाँ पे आप लोग को वीडियो की क्लैरिटी बहुत ही कमाल की मिल जाती है। इसमें नो डाउट कि इसका जो सेल्फी कैमरा है उसमें बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलती है, वीडियो भी बहुत ही कमाल का चलता है। लेकिन एक चीज ये है कि सेल्फी के अंदर उन्होंने EIS को ऐड नहीं किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेप लेता हूं आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपका वीडियो जो वो शेक होता है इस तरीके से, अगर आप देखेंगे मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूं हल्का हल्का तो हाँ थोड़ा बहुत आपको शेकी वीडियो मिल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो EIS जो है वो उसको तो सॉफ्टवेयर के द्वारा भी पुश कर सकते हैं। तो सेल्फी में तो आपको वैसे EIS मिल ही जाएगा तो और बेटर स्टेबलाइजेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर घुमा के आपको दिखा देता हूँ 360 डिग्री में थोड़ा सा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये कैप्चर करता है लाइट को और कैसे एनवायरमेंट को एडजस्ट करता है। तो कुछ इस तरीके आपको मिलता है दोस्तों। ये है नाइट वीडियो सैंपल और अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलती है। वैसे यहाँ पे मैं काफी इंप्रेस हूँ, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे मैं एक लाइट लगी हुई इस पूरे मोहल्ले के अंदर यहाँ पे और उसके मैं अगेंस्ट हूँ, फिर भी आप देखेंगे अच्छी खासी आपको क्लैरिटी मिल रही है, फेस मेरा आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको मेरा एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ दिख रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे और यहाँ पे अगर मैं लाइट के सामने जाता तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। नाइट वीडियो सैंपल जो है सेल्फी के वो बहुत ही इंप्रेसिव है, जो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑनर के व्यू 20 का एक फुल कैमरा रिव्यू जो वो दे दिया हूँ और अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ तो कैमरे के डिपार्टमेंट में भी ये जो स्मार्टफोन है ये किलर स्मार्टफोन है। आपने देखा मैंने आप लोगों को दिन के रात के सारे सैंपल्स यहाँ पे दिखा दिया और वीडियो सैंपल्स पे आपको मैंने बता दिया। तो रियर फेसिंग जो कैमरा है वो बहुत ही कमाल का है, सोनी IMX586 वाला जो सेंसर है वो बहुत ही सही काम कर रहा है। EIS का सपोर्ट वीडियो में मिल जाता है, 960fps में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैंपल्स आपने देख लिया, बहुत ही बेटर आपको रियर कैमरा मिल जाता है। सेल्फी भी आपको बहुत ही कमाल की मिलती है, डेप्थ इसका बहुत ही अच्छा है, क्लैरिटी भी काफी कमाल की है। हाँ, वीडियो के अंदर अगर EIS को वो लोग ऐड करते थे सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा तो मेरे हिसाब से एकदम ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज इसका कैमरा जो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको और भी कुछ देखना है इस फोन के बारे में आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वो सारी चीजें आप लोग के लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।